कई लोग भाजपा और कांग्रेस के जो कि बेसिकली मूल निवासी हैं, उनकी मजबूरी है कि जो यूसीसी के प्रावधान जो मूल निवासियों के खिलाफ है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है, जो पहाड़ियों का मूल निवासियों का अधिकार है उसे वापस करना ही होगा, एक सशक्त भू कानून इस प्रदेश में लागू करना ही करना होगा। आशुतोष भाई जी, यदि इस तांडव रैली के बाद भी सरकार नहीं चेतती है, क्योंकि आपने इसे आर पार की लड़ाई बताया है, इस बार आर या पार, यदि सरकार नहीं चेतती है तो क्या एक्शन लेंगे आगे? आशुतोष भाई जी हमारे साथ हैं। आशुतोष नेगी वो शख्सियत हैं जो न सिर्फ तांडव रैली के लिए प्रयास कर रहे थे, उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संगठन मंत्री हैं, मीडिया प्रभारी हैं, प्रवक्ता हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं और इतना प्रचार प्रसार किया है कि आवाज तक बैठ गई थी, आज उसका परिणाम सड़कों पर देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए धामी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि जनता की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। देखिए आप देखिए कि दो साल से उत्तराखंड का जन जन मूल निवास मांग रहा है, भू कानून मांग रहा है और जबरन यूसीसी थोप रहे हैं। यूसीसी में एक साल में यहाँ बाहरी व्यक्ति को स्थायी निवासी के समकक्ष बनाने का प्रावधान है। अगर ऐसा होता है तो फिर मूल निवास और भू कानून की तो बात ही बेमानी हो जाएगी। तो इसलिए आज जो है उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो इस बात को समझ चुका है और आंदोलित है, और हम लोग जो उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं, हमारे शहीदों ने इस प्रदेश का निर्माण करवाया है और हमारी जिम्मेदारी है कि इस प्रदेश को उनके सपनों के अनुरूप बनाना है, और वो तभी बन पाएगा जब इस प्रदेश में मूल निवासी का हित सुरक्षित होगा। वो सुरक्षित होगा मूल निवास और सशक्त भू कानून से, तो उसके लिए लड़ाई है, और ये केवल यूकेडी की लड़ाई नहीं है, ये मूल निवासी की लड़ाई है, और आज सारे मूल निवासी एकजुट होकर उक्रांत के झंडे तले जो आंदोलनकारियों का झंडा है उसके नीचे आज तांडव रैली कर रहे हैं। बिल्कुल यूकेडी की रैली नहीं है बल्कि यूकेडी के नेतृत्व में तमाम उन उत्तराखंडियों की रैली है जो लगातार अपने मूल अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं। आशुतोष भाई जी, किस प्रकार से आपने तमाम तैयारियां की और किस तरह का संघर्ष का सामना भी आपको करना पड़ा है? देखिए हम लोग जो है लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और बाद में जो है मोहल्लों में जाके हमने भोंपू लगा के प्रचार भी किया। इसके अलावा जो हमारे कार्यकर्ता हैं जगह जगह, केवल उत्तराखंड क्रांति दल के लोग ही नहीं, अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के लोग, राज्य आंदोलनकारी, सभी लोग और कई लोग भाजपा और कांग्रेस के जो कि बेसिकली मूल निवासी हैं, उनकी मजबूरी है कि उनको उस झंडे के नीचे काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो भी जानते हैं कि मूल निवास और भू कानून कितना जरूरी है। तो इसके लिए सारा जो मूल निवासी समाज एकजुट है, और ये स्पष्ट संदेश धामी सरकार को है कि आपको मूल निवास जो पहाड़ियों का मूल निवासियों का अधिकार है उसे वापस करना ही होगा, एक सशक्त भू कानून इस प्रदेश में लागू करना ही करना होगा। साथ ही साथ जो यूसीसी के प्रावधान जो मूल निवासियों के खिलाफ है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है, जिसमें एक कहा जा रहा है कि लिव इन रिलेशन को मान्यता दे रहे हैं, लिव इन रिलेशन से पैदा होने वाले बच्चों को यहाँ का स्थायी निवासी बनाया जाएगा, उसके खिलाफ भी ये तांडव है, और ये तांडव आज के लिए नहीं है, जितना देर धामी सरकार लगाएगी ये तांडव बढ़ता जाएगा और लगातार इसमें जो आक्रोश है उसमें आप बढ़ोतरी देखेंगे। बिल्कुल बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आशुतोष नेगी वो शख्सियत हैं जो न सिर्फ तांडव रैली के लिए प्रयास कर रहे थे, उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संगठन मंत्री हैं, मीडिया प्रभारी हैं, प्रवक्ता हैं, और अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद जिस प्रकार से एक गरीब परिवार के लिए, उत्तराखंड की बेटी के लिए लगातार इन्होंने प्रयास किया है वो सराहनीय है। सर आप आगे बढ़ रहे थे और पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है, हर बार हर रैली में देखने को मिलता है। देखिए पुलिस यहाँ पे बैरिकेडिंग हमेशा लगाती है और आगे जाने नहीं देती, और बड़े दुख की बात है कि मुख्यमंत्री एक मूल निवासी होते हुए एक ऐसी पार्टी जो शहीदों की पार्टी है उनका ज्ञापन लेते हैं, स्वयं नहीं आते हैं। अगर वो स्वयं नहीं आ सकते तो अपने किसी कैबिनेट मंत्री को भेज दें, किसी सचिव को भेज दें, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हिटलरशाही इस प्रदेश में चल रही है कि एक ऐसा दल जो मूल निवासियों के उनके हकों के लिए आज से नहीं, जब से ये राज्य बना है उससे पहले से 1979 से संघर्ष कर रहा है, उन लोगों का भी ज्ञापन लेने के लिए, उनकी मांगे सुनने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पे आने को तैयार नहीं है।
बिल्कुल आशुतोष भाई न सिर्फ यूकेडी के केंद्रीय संगठन मंत्री हैं बल्कि संपादक हैं, जागो उत्तराखंड के प्रखर वक्ता हैं और लगातार उत्तराखंड की आवाज़ को बुलंद करते हुए हैं। आशुतोष भाई जी, यदि इस तांडव रैली के बाद भी सरकार नहीं चेतती है, क्योंकि आपने इसे आर पार की लड़ाई बताया है, इस बार आर या पार, यदि सरकार नहीं चेतती तो क्या एक्शन लेंगे आगे? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन जो केवल अभी देहरादून में हुआ है, उसके बाद ये सभी बड़े शहरों में होगा, हल्द्वानी में हो सकता है और जितने पहाड़ के बड़े शहर हैं वहाँ होगा। इस लड़ाई को हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। गांव-गांव में अपने लोगों तक बताने की कोशिश कर ला कि मूल निवास हम तक किले चेणु छे। अभी तक कई लोगों तक हमारे जो पुराने लोग छन उनते पता नहीं छे कि मूल निवास क्या चाहिए से हमारा फायदा क्या हो, तो उनते बताना जरूरी छे कि मूल निवास बटे हमारे जो रोजगारों अधिकार छे वो हम तक वापस मन, जो हमारा मूल निवासी बच्चा छन उनते रोजगार में प्राथमिकता मिले। तो ये हम संदेश गाँव में जय की अपनी बोली भाषा में चंदा के हमारे कार्यकर्ता और ज्यादा पहाड़ का हितैषी लोग छन वो गाँव गाँव में गौर गौर जय की ये संदेश तक पहुँचो, जैसे ये लड़ाई जुचो गाँव गाँव तक पहुँच, और जय दिन ये गाँव गाँव तक घर घर तक पहुँच जाली तो वे दिन धामी जीते हैं, मूल निवास वापस कर पड़ लो, सशक्त भू कानून लागू कर पड़ लो। बिल्कुल, और आशुतोष भाई जी, आप गढ़वाल सीट बीटी भी प्रत्याशी थे यूकेडी का, और कहीं ना कहीं आपको एक प्रयास है संसद तक पहुंचने को और उत्तराखंड की आवाज़ से बुलंद करने को। यकीनन उत्तराखंड की आवाज़ बुलंद करने की जरूरत था, और अब 9 नवंबर को यूसीसी लागू करने की बात होनी थी, यूसीसी कानून से आप कई ढंग से दिख रहे हैं? देखा इनसे कि 9 नवंबर 2000 को ही राज्य बनी, और 24 साल बाद 9 नवंबर 2024 को 24 साल बाद ये राज्य की जो परिकल्पना है, जो ये मूल निवासियों का वास्ता बने गए छो, गोदा जंगोरा खोला उत्तराखंड बड़ोला वी भावना को हत्या करने की ये साजिश जो यूसीसी कानून छे कोई भी वेकू पेज नंबर 24 पढ़ सकते हो, जय माँ स्पष्ट लिखियो छे कि बैरो व्यक्ति बैरी राज्यो व्यक्ति जो एक साल यक रह जालो वो हमारा स्थायी निवासी का समकक्ष हो जालो, अगर वो हो जानो तो एक साल में यक लाइसेंस एक तरह से मिलनो छे बहरा लोग होते हैं कि यक हवा किराए पर कमरा लेवा एक एक सालो एग्रीमेंट बनावा और एक साल बाद पहाड़ी का समकक्ष खड़ा हो जा, वे का रोजगार पर डाका डाला, वे की जमीनों पर कब्जा करा, सारी जमीन खरीद दिया, तो ये की खिलाफत हर एक मूल निवासी कर लो, चाहे वे ते अपना बलिदान देने पड़ो, ये लड़ाई खत्म नहीं होन, ये लड़ाई बढ़ने जाली। आप दिखला कि जन राज्य आंदोलन के समय हमारे पूर्व समाज एकजुट हो गए छो, समाज एकजुट हो जलो और धामी सरकार से अपनो हक छीन के ले लो। बिल्कुल, धामी सरकार से अपनो हक छीन के ले लो। और आशुतोष नेगी एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत है, उत्तराखंड क्रांति दल के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल को एक बार फिर से संगठित करने का इनका लगातार प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आशुतोष नेगी जी का।